नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय के महायुद्ध को जीतने के लिए राजनीतिक दल आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी विरोधियों को अपने धारदार अंदाज में घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश ने जनता से एक आक्रामक अपील कर दी है। लेकिन निकाय की इस लड़ाई में मायावती ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सपा और बसपा की इस लड़ाई में भाजपा फायदे में दिखाई दे रही है। बागियों से हर पार्टी परेशान है। अब सवाल इस बात का है कि ये बागी कहीं चुनाव में खेल तो खराब नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर खेल खराब हुआ तो बनी बनाई रणनीति फेल हो जाएगी। वहीं सब के बीच बात होगी अतीत के खूनी किले की और शाइस्ता के नए सुरा की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात माफिया की गर्मी शांत, विपक्ष के लिए नो चांस। चुनाव लड़ने का और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका अंदाज सबसे जुदा होता है। और ऐसा ही एक नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उनके विरोधी जिस मोर्चे पर उन्हें सबसे ज्यादा घेरते हैं वो उसी लाइन पर सबसे ज्यादा हिटिंग करते हैं। क्योंकि इस वक्त सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम उन्नाव और रायबरेली में थे, जहां उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला और सबसे ज्यादा निशाना माफिया को लेकर साधा। माफिया की गर्मी शांत, विपक्ष के लिए नो चांस। विपक्ष पर गरजे योगी, यूपी को किसने बनाया था रोगी? क्या सीएम योगी का फायर अंदाज भाजपा के लिए जीत का धारदार हथियार बन गया है? क्योंकि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी फिर एक बार विपक्ष पर उसी अंदाज में बरस रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव में गरज रहे थे। तब सीएम योगी ने यूपी को शिमला बनाने की बात कह दी थी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और अब सीएम योगी माफिया की गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी निकाय चुनाव में प्रचार के लिए जहां भी जा रहे माफिया पर हुए एक्शन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। एक अपराधी, एक माफिया तंत्र के चल रहा था, पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था, कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है उस सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। दरअसल सीएम योगी जनता की नब्ज को अच्छे से समझ रहे, उन्हें मालूम है कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अखिलेश यादव से लेकर समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर था, तब सदन के भीतर सीएम योगी ने कहा था कि जो भी उमेश पाल की हत्या के पीछे है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद अतीक के बेटे असद, ड्राइवर अरबाज मोहम्मद उस्मान को एनकाउंटर में ढेर किया गया। उसे माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली मुहिम से ही जोड़कर देखा गया। अब सीएम योगी इसी मोर्चे पर समूचे विपक्ष को खुली चुनौती दे रहे। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्सव के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। मुख्यमंत्री जी स्वयं चंगे हों उनके लिए मेरी शुभकामना है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार कानून को ठेंगा दिखा रही है, न्यायपालिका को ठेंगा दिखा रही है, भाड़े और किराए के टट्टुओं के माध्यम से
अपराधियों की हत्या करा करके वही लूटने की कोशिश कर रही है, कहते हैं माफियाओं का सफाया हो रहा है। अरे दो माफिया गए, तीन माफिया आपने पैदा किए, तो आप तो माफिया पैदा करने की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, तो जो माफिया बनाने की फैक्ट्री लगा चुका है वो माफिया खत्म कैसे कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उनका इशारा साफ था कि बीते 6 साल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा यूपी में न रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती। अपने 2 दिन के चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि अब माफिया राज के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको निकाय चुनाव में कैश कराया जाए। गौरतलब है कि निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने 760 में से 700 सीट पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी पूरी कमान सीएम योगी ने अपने कंधों पर ले ली है। वो धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और बीते 2 दिन में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और उन्नाव को नाप चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीएम योगी की माफिया की गर्मी को शांत करने वाले दांव के सामने विपक्ष फिर एक बार धराशायी होगा या फिर यूपी में नया पंगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।